नारद ने कहा, हे प्रभु, यदि आप कोई ऐसा व्रत जानते हैं और ये हो सकता है तो कृपया निवेदन करता हूं मैं, आप इसे पूरे विस्तार के साथ हमें बतावें। इसका क्या विधान है, कैसे लोगों ने किया, किन किन लोगों ने किया, उसका क्या महत्व है, उसका उसे करने से किसको क्या लाभ हुआ, ये सब सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। एक बात स्मरण में आती है, प्रायः मैंने सुना है सत्यनारायण भगवान को लेकर के बड़ा लोगों के मन में एक भ्रांति है कि कोई एक कथा थी जिसे सतानंद जी ने सुना, जिसे उस बनिए ने सुना, जिसे राजा ने सुना, वो कथा कौन सी थी। इस प्रश्न का जवाब प्रायः सामने आया करता है। इस पे एक ही बात कि उन लोगों ने केवल सत्य का अनुपालन किया और छह चीजों का त्याग किया, हिंसा व सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग। ये छह चीजें अगर हमारे जीवन से निकल जाए तो विश्वास रखिए भगवान की अद्भुत कृपा होती है, नारायण साक्षात चल करके आएंगे आपके यहां। आपकी कौन सी ऐसा मनोरथ आपका जो भगवान पूरा ना करे, उनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्चा सच्ची निष्ठा उनके प्रति होनी चाहिए आपकी। भगवान ने बड़ा बढ़िया एक नियम बताया है। भगवान ने कहा कि पहले तो लोगों को बहुत बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान कराने पड़ते थे, सचंडी, लक्षंडी, अतिरुद्र, महारुद्र, अनेकों प्रकार की यज्ञ हुआ करती थी, आज भी होती हैं। इन पे धन है, ये धनवान लोगों की वस्तुएं हैं, इनके पास धन नहीं है, इनके पास वो सुलभता नहीं है कि 7 दिन की वहां भागवत करा सके, श्रीमद भागवत का अपना एक अलग महात्म्य है, वो करा सके, 11 दिन का यज्ञादिक कोई कृत्य करा सके। तो नारद बड़े ध्यान से सुनो, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में भगवान विष्णु ने प्रेम सहित, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है, सतयुग में जो फल मिलता था अत्यंत प्रेम व्रत पूजन से, सतयुग में जो फल मिलता था अत्यंत घोर तप पूजन से, वह कलयुग में मिल जाता है, वह कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है, सत्य देव के पूजन से। स्कंद पुराण एक 18 पुराणों में से पुराण है, उसमें रेवा खंड नामक खंड में इसका पूरा वृत्तांत बताया गया है। यह प्रमाणित एक पुराण है, 18 पुराण में से स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अरण्य पुराण, अनेकों पुराणों में से एक पुराण है। नारद ने कहा, हे प्रभु, यदि आप कोई ऐसा व्रत जानते हैं और ये हो सकता है तो कृपया निवेदन करता हूं मैं, आप इसे पूरे विस्तार के साथ हमें बतावें। इसका क्या विधान है,
कैसे लोगों ने किया, किन किन लोगों ने किया, उसका क्या महत्व है, उसका उसे करने से किसको क्या लाभ हुआ, ये सब सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। एक बात स्मरण में आती है, प्रायः मैंने सुना है सत्यनारायण भगवान को लेकर के बड़ा लोगों के मन में एक भ्रांति है कि कोई एक कथा थी जिसे सतानंद जी ने सुना, जिसे उस बनिए ने सुना, जिसे राजा ने सुना, वो कथा कौन सी थी। इस प्रश्न का जवाब प्रायः सामने आया करता है, इस पे एक ही बात कि उन लोगों ने केवल सत्य का अनुपालन किया और 6 चीजों का त्याग किया, हिंसा व सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग। ये 6 चीजें अगर हमारे जीवन से निकल जाए तो विश्वास रखिए भगवान की अद्भुत कृपा होती है, नारायण साक्षात चल करके आएंगे आपके यहां। आपकी कौन सी ऐसा मनोरथ आपका जो भगवान पूरा ना करे, उनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा सच्ची निष्ठा उनके प्रति होनी चाहिए आपकी। भगवान ने बड़ा बढ़िया एक नियम बताया है, भगवान ने कहा कि पहले तो लोगों को बहुत बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान कराने पड़ते थे, सचंडी लक्षंडी अतिरुद्र महारुद्र अनेकों प्रकार की यज्ञ हुआ करती थी, आज भी होती हैं, इन पे धन है, ये धनवान लोगों की वस्तुएं हैं, इनके पास धन नहीं है, इनके पास वो सुलभता नहीं है कि 7 दिन की वहां भागवत करा सके, श्रीमद भागवत का अपना एक अलग महात्म है वो करा सके, 11 दिन का यज्ञाधिक कोई कृत्य करा सके। तो नारद बड़े ध्यान से सुनो, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में विष्णु ने प्रेम सहित, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है, भगवान विष्णु ने प्रेम सहित जो नारद को बतलाया है, सतयुग में जो फल मिलता अत्यंत प्रेम व्रत पूजन से, सतयुग में जो फल मिलता था अत्यंत घोर तप पूजन से, वो कलयुग में मिल जाता है, वो कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है, श्री सत्य देव के पूजन से वो कलयुग में मिल जाता है। स्कंद पुराण एक 18 पुराणों में से पुराण है, उसमें रेवा खंड नामक खंड में इसका पूरा वृत्तांत बताया गया है, यह प्रमाणित एक पुराण है, 18 पुराण में से स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अरण्य पुराण, अनेकों पुराणों में से एक पुराण है। नारद ने कहा, हे प्रभु, यदि आप कोई ऐसा व्रत जानते हैं और ये हो सकता है तो कृपया निवेदन करता हूं मैं, आप इसे पूरे विस्तार के साथ हमें बतावें, इसका क्या विधान है, कैसे लोगों ने किया, किन किन लोगों ने किया, उसका क्या महत्व है, उसका उसे करने से किसको क्या लाभ हुआ, ये सब सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है।
एक बात स्मरण में आती है, प्रायः मैंने सुना है सत्यनारायण भगवान को लेकर के बड़ा लोगों के मन में एक भ्रांति है कि कोई एक कथा थी जिसे सतानंद जी ने सुना, जिसे उस बनिए ने सुना, जिसे राजा ने सुना, वो कथा कौन सी थी? इस प्रश्न का जवाब प्रायः सामने आया करता है। इस पे एक ही बात कि उन लोगों ने केवल सत्य का अनुपालन किया और 6 चीजों का त्याग किया। हिंसा व सत्य मद मोह लोभ और काम क्रोध का त्याग। ये 6 चीजें अगर हमारे जीवन से निकल जाए तो विश्वास रखिए भगवान की अद्भुत कृपा होती है, नारायण साक्षात चल करके आएंगे आपके यहां। आपकी कौन सी ऐसा मनोरथ आपका जो भगवान पूरा ना करे, उनके प्रति आपका समर्पण होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा उनके प्रति होनी चाहिए आपकी। भगवान ने बड़ा बढ़िया एक नियम बताया है। भगवान ने कहा कि पहले तो लोगों को बहुत बड़े बड़े व्रत अनुष्ठान कराने पड़ते थे, सचंडी, लक्षंडी, अतिरुद्र, महारुद्र, अनेकों प्रकार की यज्ञ हुआ करती थी, आज भी होती हैं। इन पे धन है, ये धनवान लोगों की वस्तुएं हैं, इनके पास धन नहीं है, इनके पास वो सुलभता नहीं है कि 7 दिन की वहां भागवत करा सके, श्रीमद भागवत का अपना एक अलग महात्म्य है वो करा सके, 11 दिन का यज्ञाधिक कोई कृत्य करा सके। तो नारद बड़े ध्यान से सुनो, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है। कली के जीवों के रमन पटेल मेरा नाम है। ये कथा का रहस्य साढ़ महीने के हर साल हम, ये 45वां साल है और हर साढ़ महीने में हम इधर MST वाले और पैसेंजर मिलजुल के हम कथा करते हैं। इस कथा का यही रहस्य है कि पूरे साल हम हर रोज जो अप डाउन करते हैं, अपने नौकरी और धंधे में जाते हैं, वो सुख शांति से जाए और ऐसा ही होता है। अभी हमारे अहमदाबाद से बॉम्बे तक कोई ऐसे बड़ा विघ्न नहीं आया। यही रहस्य है कि पूरी साढ़ महीने में हर डब्बे में अलग अलग कथा होती है हमारे वहाँ। और इस साल हमारी सबकी यही भावना है कि जो उत्तराखंड में जो अपने मृतक है उसको हम श्रद्धांजलि देते हैं। नाम बोलो। मेरा नाम सैयद किरमानी है और जो गुजरात में आतंकवाद का त्रास फैला हुआ है और वो त्रास को हम निपटाने के लिए और अच्छी तरह से अमन कायम रहे उसके लिए हम सत्यनारायण की कथा करते आए हैं और करते रहेंगे। और मुझे श्रद्धा है कि गुजरात में से ये त्रासवाद खत्म हो जाएगा और सब मिलजुल के भाईचारे की तरह इस तरह त्योहार मनाते रहेंगे। यही हमारी खुदा की तरह से दुआ है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, वही हमारी सबकी अल्लाह ताला के तरफ से शुभकामनाएं में हम देते हैं। मेरा नाम बिपिन भाई शाह है। सब जानते हैं कि दुनिया चलाती है, कोई न कोई शक्ति चलाती है, सूरज होता है, चंद्रमा होता है, रात होता है, दिन होती है, वो सब कोई न कोई शक्ति से होता है और पुराणों से लिखा हुआ है कि कथा का क्या महत्व है। सत्यनारायण भगवान की कथा हर सावन में हर लोग करते हैं, इस तरह आम आदमी की शांति, अमन शांति के लिए। और ये सालों से चल रही हमारी रेलवे, उसको कोई भी विघ्न नहीं आए, इस हिसाब से दोनों भावना से हम अपडाउन वाले हर साल सावन के पहले सोमवार के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पूरे भाव और श्रद्धा से करते है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा नाम धरा वाघेला है और मैं जितने साल से यहाँ पे अप डाउन कर रही हूँ उतने साल से ये कथा का आयोजन हो रहा है और सबकी सुख और शांति के लिए ये हर साल MST पास होल्डर के डिब्बे में ये कथा होती रहती है।